दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। ये विधि बहुत ही आसान है, साथ ही अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। तो ये बातें, ये जानकारियां आप जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले तो आजकल जो पैसे और दिन भर भाग दौड़ काम के बोझ ने आदमी की दिनचर्या की बैंड बजा दी है, जिसमें वो कहीं भी खड़े होकर खाना खा लेता है। खड़े होकर खाना खाना बेहद खराब होता है। ऐसा करने से भोजन ज्यादा भी हो जाता है और ये पचता भी नहीं है, जिससे शरीर में अनावश्यक चर्बी का रूप बन जाता है। इसलिए अगर आप मोटा नहीं होना चाहते हैं या फिर पतला होना चाहते हैं तो कभी भी खड़े होकर भोजन न करें, हमेशा पालती मारकर ही भोजन करें। नंबर टू दोस्तों, जब आप खाना खाओ, चाहे सुबह खाओ चाहे शाम को खाओ, खाना खाने के बाद एक कप गर्म पानी बिल्कुल चाय जैसा, उसमें एक नींबू निचोड़कर एक दो चुटकी हल्दी डालकर अच्छे से हिलाकर चाय की तरह पी लो। इससे एक तो भोजन जल्दी पचता है और दूसरा भोजन अधिक वसा उत्पन्न नहीं करता है, और जो भी वसा उत्पन्न होगी वो जल्दी ही घुलकर एनर्जी बन जाती है। ध्यान रहे कि गर्म पानी ही पीना है। अगर नींबू ना मिले तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडा पानी आपकी जठरांगनी को शांत कर देता है और भोजन अंदर सड़ता है। ये गर्म पानी जापानियों की तरह पैरों के बाहर हमेशा बैठकर ही पिए। और इस प्रयोग में आपको सावधानी ये रखनी है कि जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उनको भोजन के एक घंटे तक कोई भी पानी नहीं पीना है, न ही ठंडा न ही गर्म। नंबर थ्री दोस्तों, भोजन रात्रि को सोने से पहले तकरीबन 7 से 9 बजे से पहले कर लें और रात्रि को कम से कम भोजन करने की कोशिश करें। आटे में गेहूं के साथ जौ का आटा मिलाकर खाएं। सुबह उठते ही चाय की जगह नींबू का रस या पानी पिएं। आप चाहें तो उसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, मोटापा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही अगर आप मोटापा कम कर रहे हैं तो भी इन बातों का आप जरूर ध्यान दें। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।